यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का फाउंडेशनल पेपर फिफ्थ है आईसीटी स्किल डेवलपमेंट। किसी और यूनिवर्सिटी में सिलेबस ये पेपर नहीं है नेचुरली, लेकिन ज़रूरी है। मार्क्स एक्सटर्नल 40 हैं, इंटरनल 10 हैं, 50 टोटल हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हम, 3 घंटे का पेपर है जैसे पिछले करके आए हैं। 4 यूनिट हैं, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नीड, इसके क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, एडवांटेज क्या है। इट मींस 8 मार्क्स का नीड एंड इंपॉर्टेंस का 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। नेचर एंड एडवांटेज का 8 8 का भी बन सकता है और 4 4 का भी बन सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन इंडियन स्कूल, ये भी ईजी है। एलिमेंट्री लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर जो है 8th क्लास तक मानी जाती है ना, प्राइमरी 5th तक मानी जाती है और सेकेंडरी 10th तक मानी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेकेंडरी को 10+2 तक मानते हैं। तो ये हायर लेवल भी लिखा है, हायर लेवल का मतलब मेरे ख्याल में 10+2 होगा। तो ये डिफरेंट हो जाता है कंप्यूटर एजुकेशन का स्कूल में पर्पज। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंसेप्ट नीड एंड स्कोप। कंसेप्ट तो बताना ही बताना है, कुछ पूछे ना पूछे। नीड एंड स्कोप 8 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये फर्स्ट यूनिट था। सेकंड यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पंजाब यूनिवर्सिटी ये जो हेडिंग रखती है ना, ये अच्छा काम है। कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स एनाटॉमी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस, इतने डिफिकल्ट नहीं है तो ये किए जा सकते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क है ना, इंट्रा ये वो नेटवर्क करके करेंगे। सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है, जैसे आपकी थिंकिंग चलती है। हार्डवेयर क्या है, आपका ब्रेन है जिसको देख सकते हैं टच कर सकते हैं ना। सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें जो थिंकिंग निकलती है। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 8 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ऑफलाइन लर्निंग मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस 8 मार्क्स का बनता है। ऑनलाइन लर्निंग कोविड के बाद जिसकी इम्पॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, अब तो स्कूल और कॉलेज में बच्चों ने जाना भी बंद कर दिया है। ऑनलाइन लर्निंग सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, जब आप ये टीचर हैं, अभी मैं टीच कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो, मान लीजिए सामने है, तो साथ साथ में दोनों का जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो सिंक्रोनस है। अगर ये वीडियो को आप कल देखते हो, परसों देखते हो, 2 3 दिन बाद देखते हो, नेचुरली साथ साथ में नहीं देख रहे, ये प्योरली एसिंक्रोनस है कि कम्युनिकेशन जो बताने वाला है, इंफॉर्मेशन देने वाला और लेने वाले एक वक्त साथ साथ में नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स इंपॉर्टेंट, डॉस एंड विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स 8 मार्क्स का हो गया, इंपॉर्टेंस 8 मार्क्स का हो गया। डॉस एंड विंडोज साथ में 8 मार्क्स का इसका साथ में बन सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशंस डाटाबेसेस ड्राइंग टूल्स मल्टीमीडिया टूल्स फाइल फॉर्मेट्स, ये 8 8 मार्क्स के बनते हैं क्वेश्चन, 2 भी आ सकते हैं साथ में, है ना। कन्वर्जन यूटिलिटी टूल्स स्प्रेडशीट फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं, इमेज फॉर्मेट है, जेपीजी है, ऑडियो फॉर्मेट में हम MP3 का नाम बार बार लेते हैं, वीडियो फॉर्मेट में हम MP4 AVI का नाम इवन यूज भी करते हैं। तो ये जो नॉर्मल नोन है, इससे इससे ही हम अननोन की तरफ न्यू जो नेम है लर्न करेंगे फॉर्मेट की। सॉफ्टवेयर पढ़ के आए हैं, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। पर्पज ये है कि इन्हें इसने जो नेगेटिव काम करने हैं, फाइल्स को डैमेज करना है, नुकसान करना है, स्टीलिंग करनी है ना। तो टाइप्स एंड कॉजेज, नॉर्मली जो कंप्यूटर की कम नॉलेज रखते हैं वो वायरस से इतना डरते हैं कि पेन ड्राइव भी नहीं लगाते, लेकिन जो एंटीवायरस जब इंस्टॉल किए हुए हैं तो मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है, अवेयर होने की ज़रूरत है। ऐसी अवेयरनेस देने के लिए ये पेपर है। यूनिट 4 इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, नेट इंटरनेट ये तो नॉर्मल है, इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस, ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप यूज़ कर रहे हो। नेटवर्किंग इट्स टाइप इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, टाइप से हम लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पीयर टू पीयर है ना,
सैटेलाइट नेटवर्किंग, नॉर्मल ये बातें हैं, जब उनका एरिया और फंक्शनिंग आप समझ जाओगे तो ईजी लगे। सोशल साइट्स, ब्लॉग, इट्स नीड, एजुकेशन में बहुत है इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस, लगभग सेम ही क्वेश्चन बनेगा ये 8 मार्क्स। सेशनल वर्क है, ऑर्गेनाइज सेमिनार डिबेट ऑन ICT सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, प्रिपेयर योर करिकुलम वाया वाइटा, करिकुलम वाइटा जो आप रिज्यूमे बनाते हो ना, करिकुलम वाइटा रिज्यूमे और इसमें थोड़ा फर्क होता है, यूजिंग कंप्यूटर एंड ऑब्टेन इट्स प्रिंट आउट, ये आपके लिए वेरी यूजफुल है। जॉब पर जाना है आपको करिकुलम वाइटा चाहिए आपकी ना, रिज्यूमे आपको उसको बोल देते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें। तो रिज्यूमे तैयार है तभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। विजिट एन इंस्टीट्यूट हैविंग इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, माई गॉड इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, तो आपको मेरे ख्याल में लर्न टू एक्चुअलाइज करना चाहिए ना, ये इंटरेक्टिव बोर्ड इसको बोलते हैं, अब इसको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल कहते हैं, एंड लर्न इट्स फीचर एंड फंक्शनिंग एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट, तो इस पर रिपोर्ट तैयार करनी। अभी सभी चैनल जो हैं अच्छे यही यूज़ कर रहे हैं। प्रिपेयर ए सोशल साइट पेज और ब्लॉग, यार अच्छा है ये, वैसे यूज़फुल है ना। तो अब मुझे देखो कई कुछ लर्न करना पड़ा। बुक्स हैं, बुक्स तो मेरे ख्याल में आप देखोगे नहीं, ये दिखा दूं वैसे, चलो इसमें मेरे ख्याल में नहीं पता आपको कौन सी काम आएगी, कोई देसी सी आप पढ़ोगे, चलो कोई भी पढ़ो हम लेकिन करेंगे। तो ये दो दो क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट में से दो में से एक करना है 8 मार्क्स का, और फिफ्थ यूनिट जो होगा उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 2 मार्क्स के होंगे, वो भी 8 का हो गया, 8 × 5 हो गए 40 मार्क्स। अब देख लें कि इसका जो पिछला पेपर आया हुआ है वो क्या है, ICT स्किल डेवलपमेंट है ना, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सभी कैंडिडेट के लिए, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी है, 3 घंटे का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का है, डिस्क्राइब वेरियस एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस विद द एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन स्कूल, इसे घबराना नहीं है कि इंडियन स्कूल लिखा है तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा। डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन अवर लाइफ, हाईलाइट द नीड्स एंड स्कोप इन एजुकेशन सेक्टर विद सूटेबल एग्जाम्पल, सिंपल है। नंबर 3, कंपेयर द फीचर्स ऑफ फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जाम्पल, इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एलेबोरेट ऑन ऑफ एंड ऑनलाइन लर्निंग मोड्स एंड हाईलाइट देयर रोल्स इन पोस्ट कोविड, कोविड के बाद सिनेरियो इन एजुकेशन सेक्टर, बहुत ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपेयर फीचर्स ऑफ डॉस एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अवॉइड करते हैं मोस्टली। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेजर ऑफिस एप्लीकेशन विद द सूटेबल एग्जाम्पल, लिस्ट द मेजर फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंटरनेट, फोर्थ यूनिट है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंटरनेट इन प्रेजेंट सिनेरियो, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट अबाउट वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्किंग अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, जो मैंने बोली है ना, 2-4 और भी हैं। एलेबोरेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल साइट इन एजुकेशन फील्ड, हाईलाइटिंग द नीड एंड एडवांटेज ऑफ ए ब्लॉग, वेरी ईजी। मेरे ख्याल में कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बन रहा, इतनी ऑप्शन है कि आप टेक्निकल क्वेश्चन के, मतलब आपने एडवांटेज, इम्पॉर्टेंस, नीड, एजुकेशन में यूज़, यही आ रहे हैं ना। कंपलसरी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायरस, वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो नेगेटिव काम करता है, हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज कर सकता है, मेरे ख्याल में स्टीलिंग कर सकता, कोई भी नेगेटिव, चोर का जो काम होता है वही होता है ना, वायरस जो अंदर घुस जाता है बॉडी के, तो वो भी बीमारी है ना, डैमेज, नुकसान करता है, ऐसे ही है, उसके साथ ही चलना है। डिफाइन द रोल ऑफ नेटवर्किंग, राइट अबाउट एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, लिस्ट ऑफ पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स, मेरे ख्याल में वेरी इजी है, हिंदी में देख सकते हो, ये हिंदी में है, सारा पेपर हिंदी, यूनिट 2 भी है गया है इसमें, और ये यूनिट 3 भी आ गया, यूनिट 4 भी आ गया, और ये यूनिट 5 भी आ गया, पंजाबी विच भी है, पंजाबी वाले पीछे ना ले जान, किते कबला ना जान, कबलाना नहीं है, घबराना तो ज़िंदगी है ही नहीं, और ये 5वां यूनिट। सो नेक्स्ट देखते हैं, पैडागोजी दे टीचिंग दे क्वेश्चन पेपर ने,
तो नाल नाल पढ़ना भी स्टार्ट करते हाँ।